हेलो एवरीवन, ईपीएफओ 2021 की आंसर की डिस्कस करेंगे। ये सेट सी है और ये हमारा पार्ट वन है। इसमें हम इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे 6 पार्ट आएंगे जिसमें 120 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए है जहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को हिंदी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट ए का डायरेक्शन यहाँ दिया हुआ है। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू अंडरलाइन वर्ड एंड मार्क योर रिस्पॉन्स इन योर आंसर शीट अकॉर्डिंगली। तो इसमें हमें अपोजिट इन मीनिंग चुनना है अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है, समझ गए हम। क्वेश्चन नंबर 1, सी ऑलवेज ऑर्गेनाइजेज लेविश पार्टीज ऑन बर्थडेज। लेविश का हमें अपोजिट बताना है, फ्रूगल, डिसेंट, चीप एंड स्ट्रेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रूगल, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। लेविश मींस होता है सम्प्टुअसली रिच, एलेबोरेट एंड लग्जूरियस, ठीक है। रिच एंड लग्जूरियस, अधिक खर्च करना, लग्जरी पे खर्च करना, ये सभी लेविश का अर्थ होता है। फ्रूगल इसका उल्टा हो जाता है स्पेरिंग और इकोनॉमिकल एज रिगार्ड्स मनी और फूड। तो मनी पर या फूड पर इकोनॉमिकली खर्च करना, सोच समझ कर खर्च करना, इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। डिसेंट मींस होता है कंफर्मिंग विद जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड और रिस्पेक्टेबल और मोरल बिहेवियर। चीप मींस होता है लो इन प्राइस और लिटिल वर्थ। चीप का मीनिंग भी यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैंने यहाँ पर चीप ही लगा दिया था जल्दी से देखने के बाद, लेकिन फ्रूगल मैंने जल्दी से नहीं देखा। तो चीप सस्ता हो सकता है, सस्ता होता है, प्राइस में कम होता है, लेकिन इसके साथ ही चीप मींस लिटिल वर्थ भी होता है, जिसे जो बेकार हो, ठीक है, इसलिए हम चीप यहाँ पर नहीं लगाएंगे। स्ट्रेंज मींस अनयूजुअल या सरप्राइजिंग। क्वेश्चन नंबर 2, द सोल्जर वाज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वेलर। अब वेलर क्या होता है, वेलर उसकी बहादुरी, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कोवार्डिस, ठीक है, ये आसान है, कोवार्डिस इसका उल्टा हो जाएगा, आंसर बी। वेलर मींस ग्रेट करेज इन द फेस ऑफ डेंजर स्पेशली इन बैटल। तो करेज दिखाना, यही वेलर हो जाएगा। क्लम्सीनेस द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑकवर्ड होना, ये क्लम्सीनेस हो जाएगा। कोवर्डिस लैक ऑफ ब्रेवरी, ब्रेवरी का ना होना ही कोवर्डिस हो जाएगा, इसीलिए ये हमारा आंसर है। सेल्फिशनेस हमें पता है, सेल्फिश होना सेल्फिशनेस है। और टैक्टलेसनेस द क्वालिटी ऑफ बीइंग नॉट बीइंग केयरफुल और अवॉइड सेइंग और डूइंग समथिंग दैट कुड अपसेट एनीवन। तो ये है टैक्टलेसनेस, केयरफुल ना होना। क्वेश्चन नंबर 3, दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल। अब फर्टाइल का अपोजिट बताना है, स्टेराइल नहीं होगा, प्रोडक्टिव नहीं होगा, एरिड एंड बैरन में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा बैरन, आंसर सी। फर्टाइल मींस होता है प्रोड्यूसिंग और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस करने वाला रीजन। स्टेराइल नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन और यंग, जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकता वो स्टेराइल हो गया। एरिड हैविंग लिटिल और नो रेन, जहाँ पर रेन नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है वो भी एरिड रीजन कहलाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर बैरन लगाएंगे। बैरन मींस टू पुअर टू प्रोड्यूस मच एंड और एनी वेजिटेशन, ठीक है। प्रोडक्टिव मींस प्रोड्यूसिंग और एबल टू प्रोड्यूस, तो इसीलिए आंसर यहाँ पे बैरन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सम सिक इमिग्रेंट्स वर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। इमिग्रेंट्स का अपोजिट बता देना है,
ठीक है, देखते हैं। तो इमिग्रेंट्स का अपोजिट हो जाएगा नेटिव्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। बी क्यों? इमिग्रेंट्स का मीनिंग होता है पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन ए फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में वो परमानेंटली रहने आया है। सेटलर, सेटलर तो कोई भी हो सकता है। ए पर्सन हु मूव्स विद ए ग्रुप ऑफ अदर्स टू लिव इन ए न्यू कंट्री और एरिया, किसी भी नई एरिया में रहने वाला या न्यू कंट्री में जाने के वहाँ बसने वाला सेटलर हो जाएगा। ठीक है, तो इमिग्रेंट की तरह ही सेटलर हो गया तो ये आंसर नहीं होगा। नेटिव, ए पर्सन बोर्न इन ए स्पेसिफाइड प्लेस और एसोसिएटेड विद ए प्लेस बाई बर्थ, वहीं पर पैदा हुआ, वहीं पर रह रहा है, तो इसलिए इमिग्रेंट का उल्टा यहाँ नेटिव हो जाएगा। वेगाबॉन्ड क्या होता है? वेगाबॉन्ड ए पर्सन हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए होम और जॉब, वो पर्सन जो जगह जगह घूमते रहता है होम की या जॉब की तलाश में, वो है वेगाबॉन्ड। फॉरनर हमें पता है पर्सन बॉर्न इन ए कमिंग फ्रॉम ए कंट्री अदर देन ऑन वंस ऑन, अपने अलावा जो भी अपने कंट्री के अलावा जो भी कोई पर्सन आता है दूसरे कंट्री से वो फॉरनर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द क्वेश्चंस वर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास दैट टेस्ट, तो इतने क्वेश्चंस एलिमेंट्री थे कि कोई भी टेस्ट पास कर सकता था। एलिमेंट्री यहाँ पर मतलब हो गया फिर बेसिक, बहुत ही बेसिक थे, तो इसका उल्टा अनयूजुअल नहीं होगा, प्राइमरी नहीं होगा, नाइव नहीं होगा, एडवांस होगा। ठीक है, तो 5 का आंसर हो जाएगा डी। एलिमेंट्री मीन्स रिलेटिंग टू अ बेसिक एलिमेंट सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, अनयूजुअल नॉट हैबिचुअली और कॉमनली अकरिंग, जो जनरली ना होता हो वो अनयूजुअल है। प्राइमरी, प्राइमरी इज ऑफ चीफ इम्पोर्टेंस या प्रिंसिपल, मेन प्राइमरी हो गया। नाइव, नाइव मीन्स शोइंग ए लैक ऑफ एक्सपीरियंस विजडम एंड जजमेंट। ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, विजडम नहीं होता, जजमेंट नहीं कर सकता, वो नाइव कहलाता है। एडवांस्ड, एट ए हायर और मोर डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, तो एलिमेंट्री का उल्टा एडवांस हो जाएगा। अगले 5 क्वेश्चंस के लिए डायरेक्शंस यहाँ दिया हुआ है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस सेक्शन हैज ए ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन आफ्टर द सेंटेंस। सिलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। ओके, एंड इंडिकेट रिस्पॉन्स ऑन आंसर सीट। ठीक है, ब्लैंक स्पेस दिया है और हमें बताना है वहाँ पर कौन सा वर्ड सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड स्पेस योर ऑन लिविंग, तो यहाँ क्या आएगा? अफोर्डेड योर ऑन लिविंग, अर्नड योर ऑन लिविंग, गेन्ड योर ऑन लिविंग या वोन। योर वोन बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे गेन बिल्कुल गलत है, अफोर्ड भी यहाँ गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द एलिफेंट फेल इनटू ए द हंटर्स हैड सेट, तो हंटर्स ने क्या सेट किया होगा? ट्रैक नहीं, ट्रिक नहीं, ट्रंक, ट्रंक हाथी की सूंड होती है वो नहीं, तो इसमें साफ साफ आंसर हमें पता है बिल्कुल कि ये आंसर बी होगा, ट्रैप। उन्होंने एक ट्रैप बिछाया था, जाल बिछाया था, जिसमें एलिफेंट गिर गया। क्वेश्चन नंबर 8, द ड्रेस इजंट रियली टाइट, इट विल डॉट 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 व्हेन यू विल वर्न इट, तो इट ये क्या होगी? बेंड हो जाएगी? नहीं। एक्सपेंड हो जाएगी? हो सकता है। स्क्वीज हो जाएगी? नहीं। स्ट्रेच हो जाएगी? यस, मैंने इसका स्ट्रेच लगाया है और मुझे लगता है इसका स्ट्रेच होगा, तो आप बताएं कि इसका आंसर डी होगा या बी होगा। एक्सपेंड भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसका आंसर डी है, स्ट्रेच। ठीक है, द ड्रेस इज इन रियली टाइट, इट विल स्ट्रेच व्हेन यू विल वॉर्न इट। ठीक है, तो इस आंसर, इस क्वेश्चन का कन्फ्यूजन है थोड़ा। 9, विद हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो फिस्ट क्लेंच एंड हिज शोल्डर्स डॉट 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 विद हिज चोक्ड सॉबिंग, तो इसमें सिवर्ड आएगा, शुक, वाइब्रेटेड, मूव्ड।
इसका आंसर हो जाएगा बी, सूक। ठीक है, हिज शोल्डर सूक विद ए चोक्ड सोबिंग। ठीक है, अगर इसका आंसर आपको कोई और लग रहा हो तो आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 10, द ब्रीव्ड मदर प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड .. हर ब्रेव सन हु हैज लेट डाउन हिज लाइफ इन द रिसेंट वॉर। तो इसमें ऑन बिहाफ ऑफ आंसर हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। द ब्रीव्ड मदर प्राउडली रिसीव्ड द गैलेंट्री अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर ब्रेव सन हु हैज लेट डाउन हिज लाइफ इन द रिसेंट वॉर। तो आंसर हो जाएगा सी। अगले 5 क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन दिए हैं। ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज ए सेंटेंस विद 3 अंडरलाइन पार्ट लेवल ए बी सी। ठीक है, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन एन अंडरलाइन पार्ट एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स इन द आंसर सीट। ठीक है, ए बी या सी बताना है किस में एरर है। इफ़ यू फाइंड नो एरर, अगर कोई भी एरर नहीं मिलता है तो हमें डी इंडिकेट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क हैज डन दिस। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ओके, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, द कार विच वेंट पास्ट अस व्हेन वी वर ड्राइविंग ऑन द हाईवे मस्ट हैव बीन डूइंग एट लीस्ट 100 miles per hour। हैव बीन डूइंग का मतलब यहाँ क्या होगा। ठीक है, तो सेक्शन सी यहाँ पर गलत है। मस्ट हैव बीन गोइंग या ड्राइविंग कुछ ऐसा होना चाहिए, डूइंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर आफ्टर हिज स्टे अब्रोड। ठीक है, एन ईयर तो मैंने जनरली नहीं देखा होता है कि एन ईयर के आगे एन आता हो। ठीक है, इसलिए आंसर यहाँ बी हो जाएगा, सेक्शन बी में मिस्टेक है। इन ए ईयर होना चाहिए, ए होना चाहिए, एन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 14, आई हैव मच वर्क टू डू। ठीक है, आई हैव मच वर्क टू डू, तो ये सही लग रहा है, इसमें नो एरर होना चाहिए, तो 14 का डी हो जाएगा। 15, साइकोलॉजी डिडंट डेवलप इनटू ए साइंस बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन सॉरी साइकोलॉजी डिडंट डेवलप इनटू ए साइंस बेस्ड ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन अंटिल द लेट 1800। तो इसमें पहले ही मैंने स्पॉट एरर कर लिया। ठीक है, पढ़ते हुए ही हमें पता चल रहा है बेस्ड ऑन आना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, बेस्ड ऑन ना कि ऑफ। अगले 5 क्वेश्चन के लिए डायरेक्शंस। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाई 4 वर्ड। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग। ठीक है, तो हमें सेम मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है, नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है टू द अंडरलाइन वर्ड एंड मार्क योर रिस्पॉन्स इन योर आंसर शीट अकॉर्डिंगली। डायरेक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो। 16, टुडे द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ कार्नेज एंड वायलेंस। तो कार्नेज का यहाँ मीनिंग बताना है। ठीक है, कार्नेज का मीनिंग यहाँ हो जाएगा ब्लड सैड। ठीक है, नो डाउट इसका आंसर हो जाएगा ए। कार्नेज मीन्स होता है द किलिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को मार देना। ब्लड सैड का मीन्स होता है द किलिंग और वाउंडिंग द पीपल टिपिकली ऑन द लार्ज स्केल ड्यूरिंग ए कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ज़्यादा लोगों को मार देना, घायल कर देना, यही ब्लड सेड होता है, इसीलिए कार्नेज ब्लड सेड सेम मीनिंग हो गया। लस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर होता है। ठीक है, कंसर्न मीन्स मेक एंजियस और वरीड। सटायर मीन्स द यूज ऑफ ह्यूमर आयरनी एग्जिजरेशन और रिडिक्यूल टू एक्सपोज और क्रिटिसाइज पीपल स्टूपिडिटी और वाइसेज। ठीक है, ह्यूमर का यूज करना, एग्जिजरेशन आयरनी का यूज करके लोगों की मूर्खता को एक्सपोज करना। ठीक है, ये सटायर हो गया, तो बाकी सभी मीनिंग अलग हैं,
इसलिए आंसर हो जाएगा ब्लड सेट। क्वेश्चन नंबर 17, द रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल्स। रिलीजियस का मीनिंग यहाँ पे बताना है, मिस्टिकल, स्पिरिचुअल, मेटाफिजिकल, फिलोसफिकल, तो यहाँ पर होना चाहिए स्पिरिचुअल, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, रिलीजियस मीन्स रिलेटिंग टू बिलीविंग इन ए रिलीजन, मिस्टिकल मीन्स रिलेटिंग टू मिस्टिक्स और रिलीजियस मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअल मीन्स रिलेटिंग टू और अफेक्टिंग द ह्यूमन स्पिरिट और सोल एज अपोज टू द मटेरियल और फिजिकल थिंग्स, मेटाफिजिकल रिलेटिंग टू मेटाफिजिक्स, फिलोसफिकल रिलेटिंग और डिवोटेड टू स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। तो यहाँ स्पिरिचुअल होगा, यहाँ तक है। इट इज, क्वेश्चन नंबर 18, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। इमेजिन का यहाँ पर मीनिंग बताना है। ठीक है, फील, फील नहीं होगा, सी देखना भी नहीं होगा, अंडरस्टैंड या थिंक, मैंने यहाँ पर थिंक लगाया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट अस टू थिंक हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन, पर इसका अंडरस्टैंड भी हो सकता है। तो आप बताएं इसका आपने आंसर क्या लगाया है, क्या इसका आंसर होगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर 90% थिंक होना चाहिए, THINK, थिंक। ठीक है, इसलिए आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19, पब्लिक सर्विस इज नॉट मेयरली समथिंग दैट ऑक्यूपाई द आवर्स यू आर डूइंग इट, बट इन्वेड्स ऑल योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड अफेक्ट देम इन वन वे और द अदर। तो इसका आंसर क्लियर है, इसका आंसर कवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर कवर्स लगाएंगे जहाँ पर इन्वेड्स है तो ये हो जाएगा सेंटेंस, बट कवर्स ऑल योर लाइफ एंड एक्सपीरियंस एंड अफेक्ट देम इन वन वे और द अदर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, ही वाज इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century ए स्टॉन्च नेशनलिस्ट और ए लिबरल फोल्ड ऑफ द लिबरल फोल्ड। लिबरल का मीनिंग बताना है, प्रोफ्यूज, डॉगमेटिक, प्लेंटीफुल, टॉलरेंट, इसका मीनिंग साफ है, यहाँ हो जाएगा लिबरल का मीनिंग टॉलरेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसके बाकी पार्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, बाकी सभी क्वेश्चंस के सही सही आंसर बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।